गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं स्टोक्स थ्योरम के नेक्स्ट एग्जांपल। वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर एफ वेक्टर इक्वल्स टू दिस, वेयर एस इज द अपर हाफ सरफेस ऑफ द स्फीयर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लेफ्ट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड सी इज इट्स बाउंड्री। नाउ हमने वेरीफाई करना है स्टोक्स थ्योरम बाय स्टोक्स थ्योरम। बाय स्टोक्स थ्योरम हमारे पास क्या है, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर कर्ल एफ वेक्टर डॉट एन कैप इनवर्स। क्लियर? हाँ जी बेटा, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। क्लियर? हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को फोकस करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। नाउ सी एफ वेक्टर हमारे पास यहाँ पर गिवन है वाई आई कैप प्लस जेड जे कैप प्लस एक्स के कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस टी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो ये हमारे पास बनेगा वाई डी एक्स प्लस जेड डी वाई प्लस एक्स डी जेड। क्लियर? नाउ बेटा इसकी स्फीयर के जो प्रोजेक्शन है वो नीचे हमारे पास एक सर्कल है। क्लियर? सर्कल का रेडियस क्या है, 5 है। तो हमने इसको किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स मींस एक्स इक्वल्स टू आर। आर क्या है, रेडियस 1 है, कॉस थीटा। दिस इंप्लाइज डी एक्स के क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा डी थीटा। एंड वाई इक्वल्स टू साइन थीटा, दिस इंप्लाइज डी वाई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। जेड इक्वल्स टू 0 है क्योंकि एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन है, जेड 0 का। एंड थीटा वेरी करेगा, ये पूरे का पूरा 260 डिग्री का सर्कल है, तो थीटा वेरी करेगा 0 से 2 पाई। नाउ 0 से 2 पाई। हाँ जी बेटा, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन थीटा। डी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ साइन थीटा डी थीटा। क्लियर? ये जेड है, जेड का कंपोनेंट 0 है और डी जेड भी 0, मीन ये दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 0 टू पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल्स टू माइनस। अब ये 0 से 2 पाई ये पूरा सर्कल है आपका, इसको हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2। क्लियर? ये पूरा सर्कल है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर? ये कैसे किया, क्यों किया हमने, क्योंकि ये इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक रिडक्शन फॉर्मूला है, फॉर्मूला है। ठीक है, वो कैसे सॉल्व करना है उसका लिंक आपको ये आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना। नाउ ये आ जाएगा इसको माइनस 4 इंटू साइन की पावर कितनी है, 2 है, 2 के बाद बांधो तो वन ऊपर कितना है, इंटू पाई बाय 2, इंटू के साथ कैंसिल, ये आ जाएगा माइनस 5। लेफ्ट हैंड साइड ये आपका आ गया माइनस 5। नाउ कम टू द राइट हैंड साइड, एस कर्ल एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस। ठीक है, तो सबसे पहले कर्ल एफ वेक्टर फाइंड करते हैं हम, आई कैप जे कैप के कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स कर्ल बाय कर्ल वाई कर्ल बाय कर्ल जेड। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एफ वेक्टर के कंपोनेंट्स के वाई जेड एक्स, ये आ जाएगा आई कैप कर्ल वाई बाय कर्ल बाय कर्ल वाई इंटू एक्स माइनस ऑफ कर्ल बाय कर्ल जेड ऑफ जेड माइनस जे कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स माइनस ऑफ कर्ल बाय कर्ल जेड ऑफ वाई प्लस के कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ जेड माइनस कर्ल वाई बाय कर्ल वाई इक्वल्स टू, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू जेड 1 माइनस ऑफ आई कैप। क्लियर? ये 0 हो जाएगा, ये 1 माइनस ऑफ जे कैप, सिमिलरली ये माइनस के कैप। क्लियर? ये आपके पास कर्ल एफ वेक्टर। नाउ मुझे एन कैप चाहिए, क्योंकि बेटा ये जो आपकी सर्कल है एन कैप क्या है, नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन पर उसकी प्रोजेक्शन सर्कल आ रही है, देयरफॉर ये क्या है, मींस इसका एंगल जो है
आपके सर्कल के एक्स वाई प्लेन के साथ क्या है 90 डिग्री का एंगल, क्लियर। तो ये आपके पास एन कैप है। एन कैप वैसे बेसिकली क्या होता है, एन कैप इक्वल्स टू कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जी कैप प्लस कॉस गामा, ठीक है, वेयर अल्फा बीटा गामा आर एंगल्स ऑफ एन कैप विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस रिस्पेक्टेडली, ये होता है। नाउ क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर देखो पूरा सर्कल बना रहा है, तो ये आपके पास ये जो होगा ये जेड एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, ये एक्स एक्सिस होगी। तो ये एक्स एक्सिस के साथ भी 90 डिग्री एंगल, वाई एक्सिस के साथ भी 90 डिग्री एंगल और जेड एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल, क्लियर। तो ये एन कैप कॉस 90 डिग्री आई कैप प्लस कॉस 90 डिग्री जे कैप प्लस कॉस 0 डिग्री के कैप। तो ये है कि कॉस 90 0 कॉस 90 0 मीन्स के कैप, एन कैप कॉस के कैप आ गया, क्लियर। ये एन कैप की वैल्यू भी मिलती है। नाउ डीएक्स ये हमें पता है, डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू कॉस गामा डी एस होता है। नाउ गामा हमारे पास क्या एंगल है, यहाँ पर 0 डिग्री है, क्लियर। तो ये आ जाएगा कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 डी एस। तो डी एस की वैल्यू क्या आएगी, 1 डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू डी एस आ गया, क्लियर। तो ये पूरा इंटीग्रल एस कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस ये आपका बन जाएगा, कर्ल एफ आया माइनस आई कैप माइनस प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट विद के कैप डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन आर। नाउ ये माइनस हमने कॉमन ले लिया ओवर द रीजन आर, के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया तो 1 आ जाएगा डी एक्स डी वाई, क्लियर। नाउ ये हमें पता ओवर द रीजन आर ये क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस ये रीजन आर क्या था, हमारा सर्कल था ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1, तो ये क्या है माइनस पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस 1 है, 1 की स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ पाई, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी आपकी माइनस पाई आई थी, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी माइनस पाई आ गई, तो वेरीफाई होगी आपकी स्टोक्स थ्योरम, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू।